जी उस्ताद मोहतरम बाबा नईम हैदर सर, आपको नमस्कार, प्रणाम, सलाम, आदाब जी। जी मेरे मोहतरम, आपका ये जो नुस्खा है एक पारा कायम करने का, तो ये मैं आज बना रहा हूँ मेरे मोहतरम। आपने भी प्रैक्टिकल करके ग्रुप में, इसमें सॉरी यूट्यूब में डाले हैं, तो मैं ये अज्जा लिया हूँ। तो ये जो है सर जी, ये पीली संख्या, ये नीला थोता, ये वर्किया, ये सुरखई, ये कलमी सोरा और ये नवसागर और ये पारा। जी मेरे मोहतरम, और ये जो है, ये जो बैटरी वाला सेल आता है उसमें ये जस्ते का बर्तन निकलता है ऐसा ग्लास नुमा। तो सर जी ये 10 ग्राम पारे को एक एक ग्राम, ये इसका रेशो है, और रेशो से मैं ये पाउडर करके फिर इसमें आधा नीचे और आधा ऊपर डाल के फिर बीच में पारा रखूँगा, और उसको 2 किलो भड़का निकाल के आग देना है। तो ऐसे बाबा नईम हैदर सर ने बताए हैं, तो उसी तरह से मैं कर रहा हूँ सर जी। और मुझे बाबा नईम हैदर सर जी का आशीर्वाद, दुआ चाहिए, तो उनकी दुआ से मैं ये नुस्खा कंप्लीट करूँगा। जी मेरे मोहतरम, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जी उस्ताद मोहतरम बाबा नईम हैदर सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर जी आपने जो नुस्खा बोले थे वो नुस्खा बिल्कुल सही और बिल्कुल अच्छा हुआ सर जी। जी मेरे मोहतरम, ये नुस्खा ऐसा था कि नवसागर, पीला संख्या, हड़ताल, नीला थोता, सुरखई और कलमी सोरा। जी सर, तो ये सब चीज़ें एक एक ग्राम लेना है, और आधे नीचे और आधे ऊपर जो बैटरी का जो सेल होता है उसमें से जस्ते का एक बर्तन निकलता है उसमें देके, और 10 ग्राम पारा अंदर रख के, तो 2 किलो की भड़का निकाल के आग देने के बाद सर ये मुझे 9.5 ग्राम मटेरियल है, और बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर मटेरियल निकला सर जी ये पारे का, और बहुत ही अच्छा। सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी सर, अल्लाह आपको खुश रखे, बरकत दे और आपको लंबी उम्र दे, और आपके हाथों से हमेशा अच्छा काम होते रहे मेरे मोहतरम। जी तो मेहरबानी करके अगली रहनुमाई कर दीजिए। जी मेरे मोहतरम, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, सेल वाला आइटम 10 ग्राम पारे थे, 1 ग्राम मारे, लेकिन इस कंडीशन में आ गया है, एक चक्कर देता है अधे घंटे पौने का, लेकिन इस तो बाद रहनुमाई करो कि ये आगे की अमल करना चाहिए। मैं जी मोहम्मद नदीम रहीम यार खान, तो एक ग्राम पारा मारे सैल आला जरा सैले च बन गया, नज़दीक करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।